हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर वन स्टार्ट किया था बेटा, लुकिंग बैक। वहाँ पर आपने फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स एसेट्रा ये सब कुछ पढ़ा था। इसके आगे हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सरसाइज के रूप में करने वाले हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज में आपको ये करने हैं, ठीक है। आज के क्वेश्चन के साथ मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन दूंगा, उनको आप अपनी नोटबुक पर कीजिएगा और उनको करने के बाद आप हमें जिस व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको हमने ऐड कर रखा है वहाँ पर उसके सॉल्यूशन आप करके भेजेंगे। उसको रेक्टिफाई करने के बाद हम आपको बताएंगे कि आपका क्वेश्चन कौन सा सही कौन सा गलत। इसके बाद उसको आपको फेयर नोटबुक में राइट करना होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। न्यूमेरल्स आपको हमने बता दिए थे क्या होते हैं, जो भी नेम्स और सिम्बल्स होते हैं नंबर्स के लिए जो यूज़ करते हैं हम लोग उनको न्यूमेरल्स कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर। सबसे छोटा काउंटिंग नंबर कौन सा होता है बेटा, 1 होता है ना। और आपको सबसे पहले हमने बता दिया था नेचुरल और होल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो होल नंबर सबसे छोटा वाला कौन सा होता है, 0 होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये एक टेबल है, इसको हमें कंप्लीट करना था, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत ईजी टेबल है। वन डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 से लेकर 9 तक के होते हैं बेटा, ठीक है। इसमें सबसे छोटा कौन सा होता है, 1 होता है, और ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कौन सा होता है, 9 होता है। ऐसे ही 2 डिजिट नंबर की बारे में बात करें तो 2 डिजिट हमारी शुरू होती है 10 से और 99 तक हमारी 2 डिजिट होती है बेटा, क्लियर है ना। और इसमें सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट होता है 10 और ग्रेटेस्ट होता है 99। इसी तरह से इस पूरी टेबल को हमने कंप्लीट किया है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, है ना। 3 डिजिट में 100 से 999 और 4 डिजिट में 1000 से लेकर 9999। इसी तरह से 5 डिजिट और 6 डिजिट के हमने नंबर लिख दिए। तो जी ये लेफ्ट वाले हैं ये हमारे स्मॉलेस्ट हो जाएंगे और जो ये राइट साइड में है ये हमारे कौन से नंबर हो जाएंगे, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, राइट ईच नंबर इन न्यूमेरल्स। नंबर्स में लिखना है, यहाँ पर नंबर नेम दे रखे हैं, हमें वर्ड्स में लिखा हुआ दे रखा है, इसको हमें लिखना है, ठीक है। आप इजीली जानते ही हैं कि हमने आपको इंडियन सिस्टम बता रखा है, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10000, है ना, ये सब आपको हमने बता रखा है। तो इसी को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले यहाँ पर हमारा आया 13000, है ना, 586। तो यहाँ पर बेटा 6 वंस पर है, 86 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। 100 पर कितना है, पहले 100 की और 1000 की टर्म देख लेते हैं, है ना। 100 और 1000 की टर्म कौन सी है, तो 100 की टर्म है हमारे पास 5, है ना। 100 की टर्म कौन सी है, 5, तो यहाँ पर हम 5 राइट कर देंगे, क्लियर। उसके बाद 1000 की टर्म है हमारे पास 13, है ना, तो यहाँ पर कितना राइट कर देंगे, 13 राइट कर देंगे, तो हो जाएगा 13586, क्लियर। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा पार्ट करते हैं इसका। हम यहाँ पर सबसे पहले वंस की डिजिट देखते हैं, तो वंस की डिजिट हमारे पास क्या है, 7 है, ठीक है। उसके बाद 100 की डिजिट देखते हैं, तो 100 की डिजिट में हमारे पास 100 की डिजिट कितनी है, 9 है, तो 100 की 9 लिख देंगे और 0 पुट कर देंगे क्योंकि ये 100 पर आ रहा है। इसके बाद 1000 की डिजिट देखना बेटा, तो 1000 ये रहा, 1000 की डिजिट है हमारे पास 54, तो 54 की ये हमारे पास डबल डिजिट आ जाएगी, 54 हो जाएगा 54907, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, थर्ड पार्ट है हमारा 80000, 1000 की हमारी 80 हो जाएगी, 700 और 100 की 7 हो जाएगी, तो 7 की तो 100 की होगा ही 7, कॉमा लगा देंगे, है ना, 7 वंस टेंस 100 और इसके बाद हमारे पास 1000 की 80 है, तो 80 हमारे पास 1000 हो जाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप क्वेश्चंस सारे कर सकते हैं इजीली क्योंकि आप लास्ट क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। 60005 है ना, तो 5 तो आ जाएगा आपका वंस पर, क्लियर। और 60000 है, तो 60000 है, तो ये वंस टेंस 100 है ना, उसके बाद 1000 और 10000, 60 आएगा 10000 पे, तो 6005 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बेटा अगर लैक वाला क्वेश्चन करना है, ई पार्ट हमारा है लैक वाला, इसमें आप देख पा रहे होंगे, है ना,
सबसे पहले हमें सिंगल डिजिट देखनी है, सिक्स है ना, सिंगल डिजिट सिक्स हो गई। उसके बाद टेंस की डिजिट है 50, तो 56 हो जाएगा। ठीक है, 100 की डिजिट में हमारे पास 900 है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद 1000 की डिजिट में देखेंगे तो 43, टू डिजिट होती है 43 में, 43 हो जाएगा, है ना। और लाख की डिजिट हमारे पास कितनी बची है, 5 बची है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5,43,956, है ना। और इसके बाद एक और देख लेते हैं, लास्ट वाला पार्ट बचा हुआ है 80 लाख, तो हमें यहाँ पर वंस की डिजिट देनी रखी है ना बेटा, 80,90,300 दे रखा, तो 300 की 100 वाली वंस टेंस 100, तो 3 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 90,000 है, तो 1000 पे कुछ नहीं है, 90 पर है, तो 90,000 हो जाएगा, डायरेक्ट आप राइट कर सकते हैं 90। उसके बाद लैख 10 लैख 80 लैख मीन्स, है ना, तो 80 और आप राइट कर देंगे, तो बन जाएगा आपका 8090300, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। अब हमको इसका ठीक अपोजिट करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया हमने, वहां पे हमें न्यूमेरल्स लिखने थे, अब क्या न्यूमेरल्स दिए गए हैं, नंबर नेम लिखने हैं आपको, वर्ड्स में लिखना है। तो सबसे पहले हमारा है दिस वन, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे बेटा, यहाँ देखना है हमको वंस की डिजिट देखनी है, वंस की डिजिट 0 है, छोड़ देंगे। उसके बाद हम टेंस की और फिर 100 की देखेंगे, तो ये कितना हो जाता है, 380 हो जाता है। उसके बाद 1000 पे 9 है और 1000 पे 2 डिजिट दे रखी हैं, तो 2 डिजिट वाला हम पहले लिखते हैं, तो 59 आ जाएगा, 1000 की 2 डिजिट हो जाएंगी, 59,000 हो जाएगा, है ना। और फिर 100 से स्टार्ट करते हैं, तो 380 हो जाएगा, क्लियर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी है इसका 305784, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, 4 देखेंगे, फिर 78 देखेंगे, फिर 05 देखेंगे, फिर 3 देखेंगे, तो किसके डिजिट पे है, तो स्टार्टिंग करते हैं लैक से, तो 300,000 हो जाएंगे बेटा, 300,000 हो जाएगा, है ना, 5000 हो जाएगा, 784 हो जाएगा, है ना। एक बार इसको फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 300,000 हो जाएगा, है ना, 5000 हो जाएंगे, 784 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सी पार्ट है हमारा, सी पार्ट में बेटा देखते हैं, ये तो 100 तक हो गया, ये 1000 वाला पार्ट हो गया, ये लैक वाला पार्ट हो, तो लैक वाला लिखेंगे सबसे पहले, तो 900,000 हो जाएंगे, क्लियर। उसके बाद सारे डिजिट पर 0 है एक्सेप्ट 1, यानी वंस डिजिट पे दे रखा है केवल 8, तो हो जाएगा 900,008, ओके। और लास्ट है आपका डी पार्ट 999999, तो ये तो 100 वाली डिजिट में आ जाते हैं, ये 1000 में आ जाते हैं, है ना, और ये आ जाएगा आपका लैक में, तो कितना कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 900,000 हो जाएगा, 99,000 हो जाएंगे, और 999 ये हो जाएगा, क्लियर। इजी था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप कमेंट, वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप सेंड कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, काउंटिंग बाय फाइव्स राइट द नंबर्स फ्रॉम। हमें फाइव फाइव्स के डिफरेंस से नंबर लिखने हैं, बहुत इजी है काउंटिंग है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है। 8723 से लेकर 8743 तक हमें 55 के डिफरेंस से लिखने हैं, तो सबसे पहले हमारा जो डिजिट होगी वो 8723 होगी, 3 में 5 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, है ना, 28 में 5 ऐड करेंगे, प्लस 5 करते चले जाएं आप, प्लस 5 करते चले जाएं बेटा, कितना कितना आता चले जाएगा आप जानते हैं, है ना। तो पहले 23 प्लस 5 28 आ जाएगा लास्ट के डिजिट, फिर 5 ऐड करेंगे 33 आ जाएगा, फिर 38 आ जाएगा, और इसके बाद 43 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8723, 8728, 8733, 8738 एंड 8743। अब बी पार्ट है 15910 से लेकर 15930 तक 55 के डिफरेंस से लिखना है, तो 10 से स्टार्ट करना ही है, तो 10 5 15 हो जाएंगे, है ना, 15 के बाद 20 हो जाएगा, 20 के बाद 25 हो जाएगा, 20 बाद और 25 के बाद 30 हो जाएगा, तो ये हमारे पास डिजिट आ जाएंगी 15910, 15915, 15920, 15925 और एंड 15930। सी पार्ट है हमारे पास बेटा 80989 से लेकर आपको कहाँ तक लिखनी है, 81014 तक लिखनी है 55 के डिफरेंस से, तो लास्ट की डिजिट हमारी क्या है, फर्स्ट नंबर डिजिट में 89, इसमें हम 5 ऐड करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा 94 हो जाएगा, फिर इसमें हम 5 ऐड करेंगे, है ना, कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा, 99 में फिर 5 ऐड करेंगे
तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ऐड करने पर ये आ जाएगा, आप ऐड करना जानते ही हैं है ना, 8, मैं करके दिखा देता हूँ, 8 0 9 9 9, इसमें आप 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9 5 14 हो जाएगा, 9 और 1 कैरी 0 हो जाएगा है ना, और 9 1 0 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, और 8 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 8 1 00 4 है ना। अब लास्ट के डिजिट हमारे पास क्या आई है, 4 आई है, तो 4 में 5 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, 9 में फिर से हम 5 ऐड करेंगे 14 आ जाएगा, तो डिजिट हमारे पास सारी आ चुकी हैं। ठीक है, इजी था ना बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आपको मैंने फाइंड करना बता दिया था, बहुत ईजी है, 7 in 87930, ये आपको डिजिट दे रखी है, तो यहाँ देख लीजिए, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, यानी 7 × 1000 कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7000 आ जाएगा, 8 in 2801, तो यहाँ पर देखिए वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड पे आ रहा है तो 8 × 100 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 800 हो जाएगा। इसी तरह से 6 की निकालनी है यहाँ पर इस वाले डिजिट में, तो यहाँ पर वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10000, यानी 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10000 से है ना, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 60000 आ जाएगा। और इसका लास्ट पार्ट है 5 in 24053, तो वंस टेंस 5 आ रहा है 10 पर, तो 5 × 10 तो आपका आंसर आ जाएगा 50। ठीक है ना, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा रीराइट असेंडिंग ऑर्डर। ये हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, सब पहले सबसे छोटा फिर बड़ा है ना, स्मॉलेस्ट से लेकर ग्रेटेस्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, यानी पहले स्मॉलर, फिर ग्रेटर, ग्रेटर, ग्रेटर एंड देन ग्रेटेस्ट। चलिए देखते हैं, पहले नंबर देख लेते हैं कौन कौन से हमें, 1835 38 81 5 81 18 वाला 35 वाला, तो बेटा जो ये नंबर दे रखे हैं आपको, तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि आपको स्मॉल नंबर लेना है, तो सबसे छोटा 4 नंबर की डिजिट है सारी है ना, जब 4 नंबर की डिजिट है किसी में भी चेंज नहीं है, तो सबसे पहले आप देखो 1 वाली कौन सी है, 1 वाली हमारे पास ये एक डिजिट हमारे पास ये है, 15 वाली है, 18 वाली है ना, 2 डिजिट हमारे पास हो गई, एक और डिजिट है हमारे पास, कौन सी डिजिट है, 15 वाली ये रही है ना, तो 15 वाली डिजिट हो गई, 18 वाली डिजिट हो गई हमारे पास, तो 3 डिजिट हमारी 1 वाली हो गई। 1 के बाद देखते हैं सबसे उससे बड़ा ग्रेटर नंबर कौन सा है, उसके बाद ये वाला है, इस पर हमने 2 निशान लगा दिए, 3 8 3 वाला बेटा, और 1 3 ये वाला है ना, कितने नंबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 2 नंबर 3 वाले। ठीक है, 3 से बड़ा होता है 4 4, नहीं है यहाँ पर 5 5, देखिए 5 वाला 1 2 3 निशान लगा दिया मैंने, जिससे हमें याद रहे एक ही नंबर है ना। इसके बाद जो बचेगा वो सारे नंबर हमारे इससे ग्रेटर वाले हैं, कौन कौन सा बचा हमारे पास, हमारे पास बचा बेटा 8135 बचा है ना, 8135 ये वाला दिस वन, ठीक है ये वाला बचा एक, और 8153 एक हमारे पास ये बचा है ना, ये इससे एंड में आ जाएंगे, तो चलिए मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले 15 वाला मैंने आपको टिक लगवाया था ना, तो सबसे पहले देख लीजिए 1538 कहाँ पर है ना, ये सबसे एंड में 1538 दे रखा है, तो पहले नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद 1835 वन वाली डिजिट हमने दूसरी देखी थी है ना, 1 वाली जो हमने डिजिट देखी थी 1835 ये वाली थी, इसको हम दूसरे नंबर पे देखते हैं, 15 से ग्रेटर हो गया 18। अब 18 वाली फिर से डिजिट देखनी है, 1853 वाली, तो 1853 वाली डिजिट हमारे पास ये रखी थर्ड नंबर पर, यहाँ हो जाएगी। 18 से बड़ा 35 है ना, तो 35 वाली डिजिट हमारे पास एक ही डिजिट है केवल 35 वाली, तो 35 वाली डिजिट ये हो जाएगी 3581, क्लियर। और इसके बाद 38, तो 38 वाली डिजिट हमारे पास मिल जाएगी हमको है ना, 3815, और उसके बाद 58 वाली डिजिट, फिर 81 की दोनों डिजिट एक साथ लिख देंगे, 81 दोनों इक्वल इक्वल हैं 81, तो 35 छोटा होता है और 53 बड़ा होता है, तो 8135 को पहले लिखेंगे, 8153 को बाद में राइट कर देंगे। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं बेटा, देखिए सारी डिजिट आपकी 5 डिजिट की हैं, जितनी भी डिजिट रखी हैं आपको ये सब 5 न्यूमेरल्स की हैं, तो इसमें आपको देखना है, देखो सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि सबसे स्मॉल कौन सा है, तो 80 देखो सभी में आ रहा है, 80 यहाँ पर है, ये 80 है, ये 88 है, ये 80 है बेटा है ना, और ये 88 है ना। अब आपको देखना है कि इसमें कौन कौन सी डिजिट हैं जो हमारी एक सी होंगी, तो आप देख पा रहे होंगे ये 80 वाली ये वाली डिजिट और ये 80 वाली डिजिट, ये 3 डिजिट एक सी हैं 80 वाली,
ठीक है, उसके बाद कौन सी बची हमारे पास, 88 और 88 वाली, ये दो डिजिट हैं। तो सबसे पहले 80 वाले डिजिट को लिखना है, तो 80 वाले डिजिट में 8 सबसे छोटा होता है, तो ये देख लीजिए ये रहा 8, तो 80 वाले डिजिट में 8 वाला हो गया, फिर 8 से बड़ा होता है 88, तो यहाँ पर हमने 88 लिया, और 88 से बड़ा हो जाता है 808, तो ये तीन डिजिट हमारी हो गई जो स्टार्टिंग हो रही है 80 से। अब 88 में भी स्टार्टिंग हो रही है 2, तो 88 में लास्ट डिजिट हमारे पास 8 है यहाँ पर, और यहाँ पर 808 है ना, ये 0008 है, ये 808 है, तो 808 ग्रेटर होता है 008 से, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा और 008 स्मॉलर हो जाएगा। तो हमारे पास डिजिट कौन कौन सी आ जाएंगी बेटा, हमारे पास डिजिट आ गई 8008 8008 8008 8008 8008 और 8808, क्लियर, ये हमारे पास डिजिट आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 9 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 9 क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर है, बिल्कुल इसका अपोजिट जो अभी हमने क्वेश्चन किया था, उसमें छोटे से बड़ा करा था, यहाँ पर बड़े से छोटा करेंगे। पहला पार्ट आपके दे रखा है यहाँ पर बेटा, तो सबसे पहले देखिए 5 डिजिट की नंबर है, ये 76 है, 87 है, 67 है और 86 है। अब आपके लिए कितना ईजी हो गया है ना, तो इतना ईजी क्वेश्चन आ गया ये, तो आप बड़ा ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि डिजिट 5 हैं और शुरू की 2 डिजिट हम देख लें कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, तो हमारा इजीली हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे 87 पहले आ जाएगा, उससे नीचे 86 आ जाएगा, उससे नीचे 76, उसके बाद 67, तो इजीली हो जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसको बड़ी इजीली कर पाएंगे। अब यहाँ देख लीजिएगा बी पार्ट में, हमारे पास बी पार्ट में क्या बेटा, बी पार्ट में हमारे पास 6 डिजिट के नंबर दे रखे हैं, देखो ये सब 6 डिजिट के नंबर हैं, है ना। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि इसकी शुरू की 2 डिजिट कितनी है। तो देखो शुरू की 2 डिजिट में हमारे 42 42 42 42, तो शुरू की हमारी जो डिजिट्स हैं वो सेम है। तो अब हम करेंगे 3 डिजिट से, ये 420 है, ये 427 है बेटा, ये 423 है, ये 421 है। तो आपको मालूम है डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग का मतलब हमने आपको बता दिया था, पहले सबसे बड़ा फिर छोटा। तो आप सबसे बड़े से स्टार्ट कीजिएगा, 420 427 423 421 में सबसे ग्रेटर कौन सा है, 427 वाला है, फिर है ना, फिर ये वाला है आपका 4, ये है 642, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है बेटा, ये वाला नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर है, ये वाला है ना, ये नंबर यहाँ पर मिसप्रिंट हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है नंबर 4465 वाला यहाँ पर मिसप्रिंट है थोड़ा सा। तो कोई बात नहीं, हम इसको इसी तरीके से करेंगे, तो हमको ये नहीं देखना है, हमको जो नंबर लिखना है वो नंबर कौन सा हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा बेटा 423 है ना, 675 675, ये वाला नंबर हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे ये आ गया, सेकंड पे ये आ गया है ना, थर्ड पे 421 ये आ जाएगा, और फोर 42000 ये हमारा फोर नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इजी था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 27 इन द 70674। इसमें बेटा करना क्या है कि यहाँ पर इस डिजिट में 7 दो बार है, तो एक तो ये दे रखा है 70,000 पर है ना, और एक दे रखा है 70 पर, तो इसको माइनस कर देंगे आप, माइनस करने पे आपको कितना आ जाएगा, 69,930 आ जाएगा। तो ये आपका प्लेस वैल्यूज का डिफरेंस हो जाएगा। सेकंड है बी, 24 इन 124 लिखा हुआ है, ये बेटा इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 124 जो है यहाँ पर ये 7 है, ठीक है, तो हमारी डिजिट क्या है, 127494, ठीक है, ये हमारी डिजिट है। तो इसमें हमें क्या करना है, 24 की जो प्लेस वैल्यू है उसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो एक 4 की तो हमारे पास है 400, एक की है हमारे पास 4 है ना, तो ये आ जाएगा आपका 4, वो माइनस करेंगे कितना जाएगा, यहाँ जाएगा 693 396 आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि ये दे रखा है, ठीक है। और सी पार्ट में बेटा आपका 28 इन 878 513 है, तो यहाँ पर इस 8 की और इस 8 की, इन दोनों की हमें निकालनी है। तो देख लीजिए किस किस प्लेस पे हैं, पहला है 1 10 100,000, तो एक तो हमारे पास 8,000 हो जाएगा है ना, 8,000, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, 800,000 हो जाएगा है ना। तो आप इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे,
जब माइनस करते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है, 7,92,000, है ना, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख, है ना। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7,92,000 आपका आंसर आ जाएगा इसको माइनस करने पर। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द न्यूमेरल फॉर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिजिट। कुछ डिजिट दे रखी होंगी, इससे आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होगा। आप जानते हैं बहुत ईजी है, तो 43709 आपको सबसे पहले लार्जेस्ट लिखना है। तो लार्जेस्ट नंबर हमारे 9, तो बेटा 9 से स्टार्ट करते हुए छोटे छोटे नंबर लिखते चले जाते हैं, 97430 ये नंबर हुआ। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट में बेटा सबसे छोटा होता है 0, लेकिन 0 को हम पहले नंबर पे नहीं राइट कर सकते क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं बनेगी। तो जो हमारा सबसे 0 से बड़ा कोई नंबर होता है लेकिन वो सबसे छोटा हो उन डिजिट्स में, वो लेते हैं। तो 0 से बड़ा और सबसे छोटा डिजिट हमारे पास 3 है, तो 3 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 0 लगा देंगे। उसके बाद आप जानते ही हैं सबसे छोटी डिजिट लिखते चले जाएंगे, तो स्मॉल डिजिट हमारे पास स्मॉल डिजिट है 479, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 30479। इसी तरह से हमें बी पार्ट दे रखा है, 806237 डिजिट दे रखी है, तो लार्जेस्ट 8 से शुरू होगी, 876320 कम की तरफ चल दिए, और स्मॉलेस्ट में हमें 2 के बाद 0 लगाना है, फिर हमारी डिजिट बढ़ती चली जाएंगी 3678। क्लियर। सी पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही है, अब आपको करना आ चुका होगा, 512983, तो लार्जेस्ट हो जाएगी 9 से स्टार्ट करेंगे, 985321, और स्मॉलेस्ट 1 से शुरू हो जाएगी, 123589 बेटा, ठीक है। इसके बाद डी पार्ट है हमारा, 0 वाला फिर से आ गया है, लार्जेस्ट में 874210 है ना, तो लार्जेस्ट हो जाएगी। तो 0 को हमें सबसे लास्ट में क्यों लिखा, अगर हम 201 लिखते तो 01 हो जाता है वहाँ पर, तो वो स्मॉलेस्ट ग्रेट लार्जेस्ट नहीं हो पाता, वो छोटा हो जाता, तो लार्जेस्ट करने के लिए 1010 होता है, तो इसलिए हमने कर दिया। और स्मॉलेस्ट में आप 1 के बाद 0 लगा देंगे, 2478 ग्रेटर डिजिट लिखते चले जाएंगे। तो ये भी आपका बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। जितने क्वेश्चन आज हमने किए हैं इसके बेस पर हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा, घर पे करने की कोशिश कीजिएगा। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिएगा, अगर उसमें कोई मिस्टेक होती है तो रेक्टिफाई करके हम आपको दोबारा भेज देंगे, उनको सही करके आप अपनी नोटबुक में फेयर लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। तो हमें इन वर्ड्स के नंबर नेम लिखने हैं, वर्ड्स में लिखना है इनको, है ना। तो ये 4 पार्ट हैं, अभी मैं इनके मीनिंग्स आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको खुद करना है। तो ये 4 पार्ट, इनको नंबर नेम आपको लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ, इन 4 पार्ट्स हैं आपके पास, 4 पार्ट्स में अलग अलग डिजिट की आपको प्लेस वैल्यू चाहिए, जो गिवन आपको नंबर दिया गया है, है ना। 5 की प्लेस वैल्यू चाहिए आपको, बी पार्ट में 7 की प्लेस वैल्यू चाहिए, सी पार्ट में 9 की, और डी में 3 की प्लेस वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2, 5 इन 5, 6, 7, 5, 8, 8। इसमें 2 बार 5 दिया गया है, उन दोनों की जो प्लेस वैल्यू है उनका आपको सम निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 2, 7 इन 6, 7, 8, 9, 4, 7, 4। इसमें आपको 7 की निकालनी है, 7 दो बार दिया गया है, तो उन दोनों 7 की जो प्लेस वैल्यू होगी उसका डिफरेंस निकालना है, यानी आपको ग्रेटर प्लेस वैल्यू में से स्मॉलर प्लेस वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है। और क्वेश्चन 5 है बेटा, फाइंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ फेस वैल्यू ऑफ एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 5, 6, 7, 0, 8। ये एक नंबर दे रखा है, इसमें आपको 7 की प्लेस वैल्यू का और फेस वैल्यू का मल्टीप्लाई दिखाना है कितना होगा, है ना। तो एक बार आप फेस वैल्यू लिख दीजिएगा, एक बार आप प्लेस वैल्यू राइट कर दीजिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके शो कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अरेंज दीज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पर आपको कुछ डिजिट दे रखी है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में करने का आज मैंने आपको तरीका बता दिया है, है ना, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज दीज डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको इन डिजिट्स को लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे की ओर लगाना है, तो ये भी आप इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर मेड फ्रॉम गिवन डिजिट। तो ये कुछ डिजिट दे रखी है, इससे आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर राइट करना है। तो बेटा आज के लिए इतना ही आपका वर्क है, इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। आप इनके जो आज आपको क्वेश्चन दिए गए इनका सोल्यूशन आप हमें करके जरूर भेजिएगा, जिसको जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करके हम आपको भेजेंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।